तेज कर दिया है और आज राजघाट के सामने भाजपा सत्येंद्र जैन को उनके इस्तीफे को लेकर मांग कर रही है, गिरफ्तारी की मांग कर रही है, उन्हें पद से हटाने की मांग कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह है। मनीष, आज क्या आप लोगों का कार्यक्रम रहा है और सत्येंद्र जैन को लेकर क्या दिक्कत है? देखिए, सत्येंद्र जैन को लेकर दिक्कत यही है कि जो उनके खिलाफ में जितने सबूत मिल रहे हैं, जो कि उनका नाम सिर्फ सत्येंद्र है बट वो पूरे दिल्ली के लिए असत्येंद्र है। जो ऋषि गुप्ता के यहाँ जो रजिस्ट्रार पर जिनको बनाया गया है, एक तो वो पहले इलिजिबल नहीं थे, फिर भी पैसे के दम पर उनको बना दिया गया और सीबीआई के उनके घर पे जब छापा पड़ा तो उनके लॉकर में 2 करोड़ रुपए का स्लिप जो जमा हुआ सत्येंद्र जैन के जी के नाम पे और उनके वाइफ पूनम जी के नाम पे। इसके अलावा बहुत सारी संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त वहाँ से हुआ है, 21 लाख रुपया कैश और 1/2 kg सोना प्राप्त हुआ है। ये सब दिल्ली की जनता के पैसा है जो गलत तरीके से सत्येंद्र जैन के लॉकर में जमा हुआ है। क्या मांग क्या कर रहे हैं? आज आप गांधी राजघाट में आए हैं, गांधी जी की समाधि पर आए, क्या केजरीवाल जितना से जल्दी इस्तीफा दें। और राजघाट पे आने का उद्देश्य था कि हम लोग बापू के सामने प्रार्थना किए कि इस केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को इस्तीफा दे। सीधे तौर पर कि इसका नहीं है, वहाँ सबूत मिला है। इलिगेशन आरोप तो तब होता है जब कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने सबूत दिया है, 2 करोड़ रुपए का स्लिप दिया है, 4-5 बेनामी संपत्ति का डॉक्यूमेंट मिला है, 21 लाख रुपया कैश मिला है और 41 चेकबुक जो साइन किया हुआ ब्लैंक चेकबुक। अब अंदाजा नहीं हुआ 41 चेकबुक, एक चेकबुक 1-1 करोड़ का है या 10 करोड़ का है, ये तो प्रूफ मिला इसमें तो करने की कोई जरूरत नहीं। केजरीवाल से आप क्या मांग रहे हैं? केजरीवाल से सीधा मांग है कि दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त है और पता नहीं केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच में क्या काला धंधा है। इनको जितने सबूत मिले हैं इनको तुरंत से तुरंत केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें। धन्यवाद।